Hello everyone, welcome to Purva's Cafe Clash. Today we'll be having the most requested video on my channel with Manish Goplani ji. He is an actor and main unke liye do lines bolna chahungi. This actor is quite humble. Simplicity and gracefulness is clearly visible. Jaipur is his hometown. He always spreads happiness around. Drumming, gardening, cooking, these are a few things which he is doing. Let me add him. Let's get moving. Hello. Hey. How are you? What's up? I'm good. How are you? All good. कैसा चल रहा था अभी तक का लॉकडाउन आपका? Superb. I'm enjoying. Basically, I'm in hometown since 10 years. Like मैं पहली बार इतने टाइम के लिए अपने घर में रहा हूँ. So yes, I'm enjoying. अरे वाह, तो क्या-क्या नई-नई चीजें कर रहे हो आप इस टाइम में? Nothing much new तो कुछ नहीं है. भाई कुछ चीजें थी जो आज से 5-6 साल पहले जब मैं बॉम्बे की तरफ निकला था तो चीजें छूट गई थी. वही चीजें चल रही हैं. Like drumming, gardening, yeh sab hai. Nothing much. I think nothing new. It is new क्योंकि इतने time बाद हो रही हैं वो. Yeah, it is. In that sense. Yes. उसके अलावा बहुत पढ़ रहा हूँ, बहुत कुछ देख रहा हूँ, so, बहुत कुछ खा रहा हूँ. I mean, I'm eating a lot. घर पे. Wow. That's amazing. तो eating a lot तो कौन सी फेवरेट चीज है जो आपकी मम्मी एकदम न्यू बना देती है आपके लिए? फेवरेट मेरी बचपन से भिंडी रही है, बट दिस टाइम आई मीन इस लॉकडाउन में मेरी मॉम ने बहुत यूट्यूब पे देख देख के इतनी बेहतरीन डिशेस बनाई है और मैं सब कुछ खा रहा हूँ. लाइक मेरा सब कुछ फेवरेट हो गया है. या तो वापस से मुंबई जाने का कब प्लान है आपका? As soon as things gets normal, I mean normal to nahi hone wali, I know, but jab under control ho jayegi, so maybe next month. We are hoping for that, and you won't believe this is the most requested video. Aur mujhe itne sare logon ne bola ki please aap unke saath mein ek live kariye. So sweet of them. Thank you so much for joining me. Thank you so much for having me. तो ये तो हो गया. और क्या क्या हॉबीज आपने जो नई डिस्कवर करी है? ड्रमिंग तो पहले भी करी हुई है, नई क्या क्या चीजें आपने डिस्कवर करी है खुद के बारे में? खुद के बारे में मैंने बहुत कुछ आई मीन एक लिस्ट नहीं है, मैं अकाउंट नहीं कर सकता, काउंटलेस थिंग्स है. मोस्ट फेवरेट थिंग इज मैं अब आई मीन सिंगल वॉक पे निकल जाता हूँ. लाइक मैं जिस एरिया में रहता हूँ जयपुर में, यहाँ आसपास बहुत ओपन ग्राउंड्स हैं और बहुत हरियाली है, तो मैं साइकिल लेके या फिर कभी नॉर्मल वॉक पे बहुत लंबी वॉक पे चला जाता हूँ आराम से. बहुत सारी थॉट्स होती हैं दिमाग में, बहुत मजा आता है. एक ये चीज है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, दैट बीइंग अलोन. लाइक घर में तो हम सब अभी जो हालात हैं सभी कह रहे हैं घर में, लेकिन ऐसा एक ये भी बहुत अच्छा था. दिस इज वन ऑफ देम. उसके अलावा पढ़ना, बहुत सारे प्लेज हैं मेरे पास. लाइक आई यूज्ड टू डू थिएटर व्हेन बॉम्बे आने से पहले, तो बहुत सारे प्लेज थे, वो पढ़ रहा हूँ दोबारा. मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ शॉर्ट फिल्म्स 2-3. वाओ. तो एक डायरेक्शन का भी था थोड़ा सा. जब मैं एक्टर बनने वाला था उससे पहले मेरे माइंड में हमेशा ये था कि शायद मैं डायरेक्टर बनूंगा. आई हैड नो आइडिया कि मैं एक्टर बनने वाला हूँ. सो किस्मत से मैं एक्टर बन गया. तो डायरेक्शन वाली जो चीजें थी वो भी अभी डिस्कवर हो रही है. आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. एडिटिंग सीख रहा हूँ, वीडियो एडिटिंग. राइटिंग भी चल रही है थोड़ी बहुत. सो कुल मिला के मतलब एंटरटेनमेंट वाला पैकेज वैसा पूरा पैकेज है. तो तो व्हेन डिड यू डिसाइड मुझे अब एक्टिंग फील्ड एंटर करना है? आई नेवर डिसाइडेड, इट हैपेंड. सो हाउ डिड दिस हैपन विद यू? सो आई यूज्ड टू डू मॉडलिंग, आई मीन रैंप वॉक्स. आई यूज्ड टू डू रैंप वॉक्स व्हाइल आई वाज इन फर्स्ट ईयर. या माय इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर. आई हैड नो आईडिया दैट आई एम गोइंग टू बी इन दिस फील्ड, बट आई हैड सम लुक्स दैट टाइम एंड माय अलग ही स्टाइल में रहता था, अपनी स्टाइल में. सो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे कहा कि मॉडलिंग क्या कर, ये किया. सो आई वाज लाइक ओके आई डोंट माइंड. मुझे कोई क्लू नहीं था लाइफ में क्या होता है क्या नहीं होता. सो
मॉडलिंग के थ्रू मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स बने जो थिएटर करते थे, तो उन्होंने अपने प्ले देखने के लिए मुझे बुलाया कि प्लीज कम वॉच माय प्ले, दिस प्ले एंड दैट प्ले. सो आई सेड ओके आई विल कम. तो मैं भी बचपन में स्कूल में तो हम सब करते थे जन्माष्टमी में, कभी कृष्ण बनना कभी राधा बनना एंड एवरीथिंग हम सब ने किया. मैं राधा भी बनाऊ, लड़की भी बनाऊ, सब कुछ बनाऊ. सो द मोमेंट आई एंटर्ड इन थिएटर आई वाज लाइक यार दिस इज समथिंग व्हिच मेक्स मी यू नो लाइक मुझे तब मुझे पहली बार रियलाइज हुआ लाइफ में कि मुझे यहाँ करना है जो करना है. आई मीन एक्टिंग डायरेक्टिंग कुछ नहीं पता, बस जो करना यही करना है. सो वो उसको करम मूवी बना लिया मैंने. देन ऑल द फोर इयर्स विद कॉलेज, लाइक कॉलेज में सुबह कॉलेज जाता था, शाम पूरा दिन मैं उसके बाद थिएटर में रहता था, देन रात को 7-7 घंटे के लिए घर आता था. तो दैट्स हाउ स्टार्टेड बन गया. और कई लोगों के फेवरेट भी बन गए. अब वो तुम सबका बड़प्पन है. नहीं, ये तो आपने खुद कमाई हुई चीज है, ये आपका है कमाया हुआ. दे आर ट्राइंग, हम सब ट्राई करते हैं. अच्छा, इस लॉकडाउन में ऐसा हुआ होगा कि बहुत सारी चीजें अवेलेबल नहीं रही होगी, तो क्या क्या जुगाड़ आपने लगाया इस टाइम में? बहुत सारी चीजें मोस्टली अगर मैं बॉम्बे में होता तो शायद मेरे पास इसका बहुत बेहतर जवाब होता, क्योंकि बॉम्बे में आप सिर्फ अकेले रह रहे हो या फिर ऐसे है. बट यहाँ पे तो अगर आप फैमिली की बात करो तो मुझे नहीं लगता मुझे किसी चीज का जुगाड़ करना पड़ा, बिकॉज मेरी फैमिली है तो ऑफकोर्स सारी चीजें ओवर स्टॉक्ड होती हैं यहाँ पे घर पे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, डैड मेरा भाई एंड मैं यहाँ कम रहता हूँ, मैं कम जानता हूँ यहाँ की चीजों के बारे में. तो मेरा भाई है तो मेरे इस कोई भी चीज हो, आई मीन फॉर मी मेरे इस प्लेनेट की कोई भी चीज हो, मेरा भाई और मेरे डैड कहीं से भी अरेंज कर देते हैं. सो मुझे कभी मौका नहीं लगा कुछ ये सब करने का. तो इस टाइम में आपने फैमिली के साथ में, मतलब पूरा टाइम ही फैमिली के साथ में है, बट ऐसी कुछ एक्टिविटीज जो आप लोगों का एक रूल बन गई है कि इतने बजे तो हमको ये चीज गेम खेलना ही है, या ऐसा कुछ हुआ है? एक्चुअली माय डैड इज इनटू बिजनेस, तो वो तो इतना ज्यादा फ्री नहीं रहते. मैं डैड एंड भाई, बट मॉम और मेरा फिक्स है, हम लोग खाना साथ में खाते हैं. हम लोग एक पुराने जमाने का गेम है, इट्स लाइक लूडो, चंगा पै बोलते हैं हम उसको. अपार्ट फ्रॉम दैट मेडिटेशन हम लोग साथ में करते हैं, कुछ प्रवचन सुनना है, कोई पॉडकास्ट सुनना है, कुछ भी सुनना है तो चला के एक साथ गाने सुनते हैं, डांस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं. मतलब मॉम तो एक्सरसाइज ज्यादा नहीं करती है, बट वो भी थोड़ी बहुत योगा वोगा करती है और मैं एक्सरसाइज करता हूँ. तो ये कुछ चीजें हैं जो हम साथ में करते हैं, साथ में ही करते हैं. अमेजिंग. गेम्स की बात हो ही रही है तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप पबजी खेलते हैं? नहीं. उसकी एक सिमिलर इंडियन ऐप है विच इज फ्री फायर, मैंने वो ट्राई किया था, बट आंखों मुझे बाद में पता चला कि आंखों के लिए सेफ नहीं होते हैं ऐसे गेम्स, बिकॉज बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है. तो फिर वो भी बंद हो गया. और एक्चुअली स्टार्टिंग में जब नया नया लॉकडाउन शुरू हुआ था तब लग रहा था कि कुछ नहीं करने को, कुछ नहीं है तो क्या करें, गेम्स खेल रहे, गेम्स खेल रहे, गेम्स खेल रहे. बट अब तो यही हैबिट बन गई कि मतलब ऐसे ही रहना है. और बिन 4 months नाउ, तो अब किताबों से दोस्ती हो गई है, तो सारे खेल अब किताबों से होते हैं. बिल्कुल सही कहा आपने. इस लॉकडाउन पीरियड का सबसे ज्यादा क्या चीज मिस करेंगे आप? मैं मिस करूंगा यही, मतलब being alone, being in private, like social distancing. मुझे वैसे भी पसंद नहीं है लाइफ में. अगर I don't know, you know, you don't, I mean, हम लोग that is something I have observed about you. Yeah, मैं थोड़ा सा कॉर्नर वाला ही, मतलब मैं साइड में रहता हूँ, दूर ही रहता हूँ सबसे. तो ये चीज मुझे लगता है अगर लोग वापस शुरू कर देंगे वो सब, which is of course not good for us as well. अभी सबको इतना दूर ही रखनी चाहिए, social distancing रखनी चाहिए, सबको पालन करना चाहिए, but people are not, नहीं मान रहे हैं लोग, तो I'll miss it. And being with the family, of course, being with the family, of course. Because मैं 10 साल में पहली बार ऐसा कि इतने लंबे पीरियड के लिए अपनी फैमिली के साथ रहा हूँ. 10 साल बाद. But it might be feeling really very great ना कि इतने टाइम बाद इतने टाइम के लिए साथ में आप हैं. बिल्कुल, जितना लंबा इंतजार था उतना लंबा था. या होली मनाने आया था 4 दिन के लिए. 4 महीने हो गए हैं. कितने और त्योहार मनाने हैं यहाँ पे फिर? अब
आई थिंक मेरे मेरे डैड भी यही कहते हैं, मुझे मॉम डैड दोनों ही कहते हैं, होली मनाना आया था दिवाली मना के जाना, लाइक राखी तो ऑलमोस्ट, राखी इज ऑलमोस्ट देयर, तो दिवाली भी मना के जाना मैंने, हाँ बस यही रह गया। So that is the plan. No, 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 that's not a plan. It's just that if they want me to do that, I'm not going to do that. Mostly after Rakhi, I'll be moving to Bombay. What are you missing the most in this lockdown period? I'm missing the most, of course, my apartment in Bombay, the rains in Bombay. Yeah, mostly that. Rains. Nothing much. As such, kuch miss karne ke liye sab kuch hai. I mean, अपार्टमेंट से जो व्यू है, रेन्स है, वहाँ की बारिश है बॉम्बे की, वो थोड़ी सी, हाँ बस और कुछ है। आपने बताया आपकी मम्मी आपके लिए काफी चीजें कुक कर रही है, आपको काफी पैम्पर कर रही है आपकी मम्मा, तो ये दिख भी रहा हुआ मेरे दिख रहा है मेरे बॉडी पे, फेस पे, आई एम गेटिंग, बट यू लुक द सेम। हां नहीं 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 हां यू डू। मुझे ये बताओ कि आपने क्या क्या चीजें सीख ली कुक करना मम्मा के साथ में? कहां मॉम कहां कुछ करने देती है, मैं मॉम की से हेल्प कर सकता हूँ, मैं कुछ कुक नहीं कर सकता, मैं बस मैं कुछ नई नई चीजें, जैसे मैं होता है ना क्विक ब्रेकफास्ट, कभी कभी हम बनाते हैं कुकीज, लाइक जब भी बॉम्बे में होते हो आप, तो मैं बॉम्बे में दो तीन चीजें सीखी थी, लाइक ऑमलेट एंड ब्रेड के साथ दो तीन एक्सपेरिमेंट्स हैं, लाइक अगर चपाती है आपके पास, आप वेस्ट नहीं करना चाहते फूड, तो पुरानी चपाती से उसको टुकड़े करके उसको सेलमनी बनाते हैं, तो बहुत सारी चीजें, ये छोटी मोटी हेल्प करता रहता मैं, आप मेन काम कर लो, मुझे छोटी मोटी चीजें दे दो, तो हाँ जब कुकीज की बारी होती है, लाइक शाम के लिए कुछ स्नैक्स है, दोनों बैठे हैं कॉफी लेके, अभी चंगा वो खेलना हमारा मैच शुरू होने वाला है, तो उससे पहले जाके कुछ ना कुछ बनाना एंड ऑल ये सब, तो उसमें आप हेल्प करवा तो देते हैं मम्मी को। हाँ, हेल्प ही हो सकती है घर, मॉम सब, मैं क्या बनाऊँ, मॉम क्या, मॉम बनाती है इतना टेस्टी होता है, मैं ट्राई नहीं करना चाहता कुछ और अपने हाथ का। बिल्कुल, उनके हाथ का स्वाद अभी जितना लेना है ले लो, फिर वापिस चले जाएंगे तो पता नहीं कब आना होगा। यही चीज ऐसी है जिसको मुझे मुझे लगता है कि यार ये मेरी आदत लग गई है, मेरे को मतलब मेरी टंग ये भूल जाएगी फिर ये सब टेस्ट, ये मुझे भी लगता है कि यार शेट कैसे होगा ये सब, बट दैट्स ऑफ कोर्स दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, होती रहती है चीजें, बहुत हो गया इतना डिलीशियस खाना रोज 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 खा के आदत लगाने गलत बात है। अच्छा चलो मुझे ये बताओ आप कि इस लॉकडाउन पीरियड में any three things which you have realized about yourself? I'm a good director. I'm a good listener. And about myself. Third thing would be, I'm a good son. Ah, you are. You are a good person as well. नहीं वो तो है, लेकिन अब आपके आगे के क्या प्लान्स हैं? आगे के मेरे प्लान्स हैं, प्लान्स तो मेरे बहुत कुछ हैं, लेकिन मैंने वो वाली पढ़ाई की नहीं, मैं सोच रहा था मैं ही दवाई मारूं इसकी कोविड की, वो मैंने पढ़ाई की नहीं, बट जो सफा मैं इन फ्यूचर ऑफकोर्स वेब सीरीज वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड, आई मीन देयर इज अ प्रोजेक्ट which one of my friend has told me that he's trying to produce and write by himself, so he want me to do with him, so yeah, I'm looking forward for a web series, and of course yeah, let's see, I mean in this field you have no idea, I mean kab kahan se kya aa jaye kuch pata nahi hota, so yeah, I'm open for everything, yeah. Achha, you have played so many characters, तो कोई दो कैरेक्टर्स जो आपके फेवरेट हो और उनसे आपने कुछ सीखा हो? बिहान इज वन ऑफ माय फेवरेट, एवरीवन एल्स ऑफ कोर्स, वो मैं ही था, आई मीन दैट वाज माय फर्स्ट नेशनल शो, सो वो मैंने पूरी कोशिश की थी कि ऑलमोस्ट जैसा मैं हूँ उसको नेचुरली रखूँ, रियली रखूँ, सो इट वाज कम्प्लीटली मी, उससे सीखा मैंने ये है, आई मीन वो मैं ही था, तो मुझे ऐसा लगता है कि एज अ पर्सन उस कैरेक्टर से किसी को अगर कुछ सीखना चाहिए सो वो ये था दैट आप चाहे कुछ कैसे भी इंसान हो, आप अच्छे काम करते हो बुरे काम करते हो डजंट मैटर, बट आपका दिल हमेशा साफ होना चाहिए, आप
अभी कभी किसी के साथ गलत हो रहा हो आपके सामने, तो आप ऐसे चुपचाप नहीं खड़े रह सकते. जो उस कैरेक्टर का हमेशा जो लाइफ, जब उसकी लाइफ चेंज होती है, जब थपकी उसकी लाइफ में आती है, तो पहले कुछ और होता है लेकिन उसके बाद वो कुछ और ही बन जाता है. सो या दैट एंड अदर इज भीम सिंह बुल्लर ऑफ कोर्स अगेन सेकंड डिटेक्टिव दीदी यू कैन सी पुलिस वाला है उसमें. वो भी ऐसा ही है कि मतलब गलत चीजें बर्दाश्त नहीं होती भाई साहब, चाहे कुछ भी हो जाए. और औरतों पे हाथ नहीं उठाना, आई मीन वुमेन राइट्स एंड ऑल एवरीथिंग, ये सारी दो तीन चीजें जो उस कैरेक्टर से सीख सकता है इंसान. या अच्छा, हाउ डू यू वांट योर पार्टनर टू बी लाइक, व्हाट सेट ऑफ क्वालिटीज शुड शी हैव? आई मीन आई वुड, मैं नहीं करता हूँ, मेरी मॉम की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है, मेरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. मैं आई मीन मैंने सोचा ही नहीं है एक्चुअली. उन्होंने कभी आपको बताई हो? उन्हें घरेलू चाहिए, मॉम के मॉम्स के हमेशा. अभी कल ही मेरे भाई के लिए रिश्ता है मामी ने, मैंने अभी मना किया हुआ है कि मैं नहीं करूंगा अभी तो टाइम तक. तो मेरा भाई, सो मॉम से मेरी कल ही बात हो रही थी ना कि हमने तो सिर्फ यही बोला है कि मेरा भाई लंबा है 6'3", आई मीन हिज हाइट इज 6'2.5", सो उसके लिए रिश्ता आया. तो मेरी मॉम की दो ही रिक्वायरमेंट्स है, बहुत सिंपल क्यूट सी आर्गुमेंट बता के गई. मैंने तो ये बोला उनको ऐसा वैसा लाइक ओके क्या सो यार कि तो वो लंबी थोड़ी सी, मतलब हाइट थोड़ी सी हो, नोनी के साथ सही लगे एंड घरेलू हो बस. तो बहुत मतलब ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती है यार. आई मीन बाकी मेरा, मैंने तो सोचा नहीं है अभी तक क्या है, क्योंकि मेरा अभी कोई प्लानिंग नहीं है अभी ऐसा. अभी फोकस कहीं और है, सो अभी कुछ सोचा नहीं. अभी इन चीजों पे नहीं. बट व्हाट इज लव अकॉर्डिंग टू यू? लव, लव इज समथिंग दैट इट्स अ बिग टॉपिक. इट इज, मी इट्स लाइक पर्सन बीइंग काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग हर चीज, जिसमें हर चीज वो लव इज. अब लव इज समथिंग दैट यू कांट यू नो एक्सप्लेन. वो आप वर्ड्स नहीं होते हैं उसमें ऐसी चीजों के ना, कुछ लोग कुछ चीजों के वर्ड्स नहीं होते हैं. सो बस इट्स अ फीलिंग काइंड ऑफ, इट्स अ फीलिंग विच जस्ट हैपेंस एंड यू फील लाइक आप दूसरी दुनिया में, एक अलग ही दुनिया में फील करते हो अपने आप को. यू आर ओवरली जॉयफुल, ओवरली हैप्पी जब आप उस पर्सन के साथ हो या उस पर्सन के बारे में सोच रहे हो. तो यार यू आर मोस्ट कंफर्टेबल एज वेल. लाइक आपको कोई दुनिया की कोई प्रॉब्लम से, किसी चीज से डर नहीं लगता. लाइक ऑल द फियर्स आर गॉन. आप बहुत ज्यादा जॉयफुल हो, बहुत खुश हो, बहुत सारा आपके अंदर एनर्जी एक अलग लेवल पे होती है उस टाइम पे. लाइक ब्लड फ्लो ही बहुत अलग होता है. सो या दैट्स समथिंग आई कैन एक्सप्लेन हाउ लव हैपेंस. व्हाट इज हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू यू? हैप्पीनेस इज मॉम. मॉम इज हैप्पीनेस. आई ऑल द स्पेंडिंग टाइम विद हर. जस्ट द वर्ड मॉम, मां is happiness. Oh, wow. So for me everything is, I mean whatever makes her happy, I'm happy about it. Like kuch bhi ho life mein, if she's happy, I'm happy. Yeah, so my happiness is my mom. Wow. Acha, aapki aisi koi childhood memory aapki mama ke saath mein jo aapko kafi baar yaad aati hai? Aisi kuch specific nahi hai, but haan bahut sari hai. मेरी मॉम मेरे बीच की मांग बनाया करती थी, मुझे याद है. हमारे पास फोटोज भी हैं, आई मीन है मेरे पास, कवर में पड़े हैं. मेरी बीच की मांग बनाती थी मेरी मॉम. और ऐसा ऐसा मैं, मतलब मैं बहुत फेयर था उस टाइम पे. तो ऐसा मैं लेट सुमा भोपाली जी सर जैसा लगता था बचपन में. मतलब बीच की मांग बना के ऐसा. वो आपके अच्छे से याद है आपको चीजें. ब्रदर बहुत लड़ाइयाँ की हमने, बहुत लड़ाई करता था मैं. आई मीन मेरे तो जो आई डोंट बिलीव, बट जो पंडित होते हैं उन्होंने बोला था कि इसके, इसका खून बहुत गर्म है, ये बहुत लड़ाकू है, इसको ये रत्न पहनाओ, ये पहनाओ. बचपन में मैं बहुत लड़ाई करता था अपने भाई से, बहुत मारा, बहुत मार खाते थे हम दोनों डैड से बाद में, और एक दूसरे को भी बहुत मारते थे. तो वो तो जान है यार, अब उसके साथ तो सारी चीजें सब साथ में ही बड़े हुए हैं. एवरीथिंग इज लाइक, सब कुछ ही अच्छा है उसके साथ. जी बिल्कुल. अच्छा, इस लॉकडाउन पीरियड में आपकी अपने को स्टार से कितनी बात हो पाई है? ऑलमोस्ट
सबसे बात हुई है लेकिन बहुत कम हुई है. आई मीन मैं फोन भी इतना यूज नहीं करता हूँ. मैं लाइक सोशल डिस्टेंसिंग मैं सिर्फ फिजिकली नहीं कर रहा हूँ, फोन से भी कर रहा हूँ. मतलब मैं फोन कम ही पास रखता हूँ अपने. एंड सबसे सबसे जब ये आया था, जब ये पैनामिक शुरू हुआ था, देन सबसे मैंने सबसे पहले तो चेक भी किया था कि दैट एवरीवन इज होम और सेफ और समथिंग. तब हुई थी एक बार, एक दो बार बीच में हुई, कुछ मोटिवेशनल अच्छी चीजें आती है मेरे पास, वो की फॉरवर्डिंग टू ईच अदर. तो सबसे एक एक बार कभी ना कभी बात हुई है ऑलमोस्ट. हाँ जी, अच्छा, जैसे आपने भी जिक्र करा कि मोटिवेशनल चीजें आई थी, तो इसमें मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि सब जगह अभी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है या और लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, लोग फाइनेंशियली, इमोशनली, सोशली सब चीज से डिप्राइव्ड है, तो इस या टाइम के लोगों को पॉजिटिव कैसे रहना चाहिए और आप पॉजिटिव कैसे रहते हैं? सो आई मीन मैं तो हमेशा से ऐसे ही रहता हूँ, तो मैं अपने बारे में तो क्या ही कहूँ, क्योंकि मैं हमेशा से ऐसे अकेला बंद रहना पसंद करता हूँ. बट मैं सिर्फ यही चीज अभी बाकी सबसे ये कहना चाहूंगा कि यार दिस शैल टू पास, ये भी चला जाएगा टाइम. तो प्लीज गाइज, आप थिंग इज दैट बीइंग पॉजिटिव इज कि आप अपने साथ, आपको खुद को जानने का इतना मौका मिला है, आपको अपने लव्ड वन के साथ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला है. नाउ दिस अर्थ इज, अब वो हमने बहुत खेल खिलवाड़ किया अर्थ के साथ, पृथ्वी के साथ. नाउ इट्स टाइम उसको थोड़ा सही होने दो. बी इनसाइड, बी सेफ, सब कुछ सही हो जाएगा. कुछ आई मीन इट्स जस्ट इन हेड. हम फ्यूचर की चिंता करके जबरदस्ती एंजाइटी और डिप्रेशन ले रहे हैं, बट बींग इन प्रेजेंट इज एवरीथिंग. तो मैं तो ऐसे ही रहता हूँ, बींग इन प्रेजेंट, लाइक अभी जो है सब कुछ है, ये भी चला जाएगा. बट वी हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि कल अगर परसों तक ये नहीं हुआ, तीन चार दिन बाद ये नहीं हुआ, एक महीने बाद तक सिचुएशन कंट्रोल में नहीं हुई तो क्या होगा. तो वी आर लिविंग इन सम अजम्पशन ऑफ फ्यूचर, वी आर नॉट लिविंग इन राइट नाउ. तो बीइंग इन राइट नाउ, दिस इज द ओनली थिंग व्हिच आई वांट टू यू नो टेल पीपल, दैट लिव इन प्रेजेंट प्लीज एंड बी हैप्पी. एवरीथिंग विल बी ओके. गॉड इज देयर फॉर एवरीबॉडी. हम किसी हमने कुछ गलत नहीं किया है, तो कोई दुश्मनी नहीं ऊपर वाले की हमारे से. डोंट वरी, सब कुछ सही हो जाएगा. बिल्कुल. अच्छा, जैसे ही आप मुंबई जाएंगे तो सबसे पहले क्या खाना पसंद करेंगे? बॉम्बे में जाऊंगा तो मैं सबसे पहले सेव पूरी खाना पसंद करूंगा, जो बॉम्बे की मेन, मतलब शूट पे जब भी हम होते हैं तो ये ऐसी चीज होती है जो हम खाके थोड़ा थोड़ा स्नैक्स के रूप में खाते रहते हैं, तो और ये यहाँ नहीं मिलती है. आई मीन वहां की एक अलग ही स्वाद ही अलग होता है बॉम्बे का, तो वो तो है. और मैं बाकी बड़ा पाव वगैरह खाता नहीं हूँ, नहीं तो मेरा आंसर बड़ा पाव होने वाला था. इस बार तो जाके वो भी हूँ, बहुत ही, मतलब इट्स नॉट कि मैं खाता हूँ या नहीं खाता हूँ, जस्ट देख, बड़ा पाव बॉम्बे का इतना है कि आप देखते ही रहते हो, आप खाओ ना खाओ लेकिन आपके चारों तरफ बड़ा पाव रहता ही है हमेशा बॉम्बे में, आप कहीं भी हो. तो इस बार मैं सोच रहा हूँ जाके बड़ा पाव ही खा लेता हूँ. इस बार जाके बड़ा पाव ही खाऊंगा मैं. बॉम्बे में वापस आ गया फिर से गोवा. बिल्कुल. और इस बार घर में मम्मा ने बड़ा पाव बनाया? नहीं, मैं खाता नहीं हूँ ऐसी चीजें. खाते नहीं, इसलिए नहीं बनाया, वरना मम्मा जरूर बनाती आपके लिए. अगर उनको पता होता कि मैं खाता हूँ तो फिर तो हर चीज, जो जो उनको पता कि मैं खाऊंगा या मैं खाता हूँ, सब मैं खा चुका हूँ इस चार महीने में बहुत अच्छे से. वाओ, तो अब तो मतलब ऐसा हो गया होगा कि मुझे ये पैम्परिंग वाला खाना अब नहीं चाहिए, वैसा वाला फेज आ गया है आपके साथ में? ये आया था 15 दिन 20 दिन पहले, जब मुझे, मैं एक शूट करने गया था एक म्यूजिक वीडियो का. मैंने अभी रिसेंटली एक म्यूजिक वीडियो शूट किया प्रेम दीवानी. वाओ. मैं वहां से जब आया और वहां के जो मैं फुटेजेस चेक कर रहा था, मेरे डायरेक्टर ने मुझे दिखाई, आई वाज हैप्पी. सॉन्ग बहुत खूबसूरत सॉन्ग है, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, राजस्थानी. बट जब मैंने खुद को देखा ऑन कैमरा, आई वाज लाइक कि अब ये प्यार इतना ना संभलेगा मुझसे, बहुत ज्यादा फैलता जा रहा हूँ. तो फिर मैंने डिसाइड किया था कि अब खाऊंगा तो ऑफ कोर्स वही खाना है, मॉम के हाथ के बिना खाना खा ही नहीं सकता मैं. बट कम अच्छे से लिमिटेड खाना है सब कुछ. अभी खा लो, फिर बाद में पता नहीं कब इतना टाइम यहाँ मिलेगा. या बट इतना भी नहीं खाना चाहिए, हर चीज की एक्सेस खराब होती है, तो वो मुझे रियलाइज हुआ 15 दिन पहले. बट या खाना तो वो तो उनके हाथ का तो एक निवाला भी बहुत है. बिल्कुल सही. जैसा आपने बताया कि आपने अभी एक म्यूजिक वीडियो शूट करा है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका विद द म्यूजिक वीडियो? इट वाज ब्यूटीफुल. आई मीन द सॉन्ग वाज वेरी नाइस सॉन्ग, प्रेम दीवानी.
इट्स अ बिट राजस्थानी, आई मीन हिंदी राजस्थानी मिक्स है. और इन लॉकडाउन, तो पहली बार लॉकडाउन के साथ शूट किया, तो सब लोग बहुत डिस्टेंस पे थे, सबने मास्क पहन रखा है, एवरीवन इज सैनिटाइज, सब अपने अपने कॉस्ट्यूम में है, लाइट दादा या फिर मेकअप दादा, स्पॉट दादा, सब कॉस्ट्यूम. तो एक अलग ही एक्सपीरियंस था लाइफ का, कि मतलब पहली बार मुझे ऐसा लग रहा था शायद मैं मार्स पर शूट कर रहा हूँ. सब लोग अपने अपने पैराशूट्स में है, सब अपने अपने उसमें कॉस्ट्यूम में है, और हम अभी उड़ जाएंगे शायद कहीं. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बड़ा अच्छा लगा. लाइक पीपल या And people here in Jaipur, Rajasthan, people are taking it very seriously and they are doing pura acche se jo bhi rules hain us rules ke according shoot kar rahe hain. So yeah, it was a good experience. And ye meri life ka first music video tha, to personally mere liye to I was like ki ab ek agar show hai ya kuch hai, as being an actor main ye to kar sakta hu, but just sometimes you are like ki abhi directors ka sabka alag alag point of view, do din ka kaam hota hai, zyada aap ek dusre ko jaan bhi nahi sakte. तो कुछ कुछ शॉट्स होते हैं, मेरे को लगा ये कनेक्ट कैसे होंगे, तो मैं थोड़ा सा ऐसा था कि मतलब क्या है क्या है, बट हाँ वो जब मैंने लास्ट में चेक किया तो इट्स लुकिंग वेरी नाइस. आई होप आप सबको भी पसंद आया, बहुत जल्द आउट आने वाला है, पता चलेगा, देखते हैं. उसमें आप है तो सबको पसंद आएगा ही आएगा, आई होप. अच्छा, जो आपने ये आपका फर्स्ट म्यूजिक वीडियो रहा है, तो क्या आप सोच रहे हैं आगे कंटिन्यू करना इस चीज को, कि और म्यूजिक वीडियोस के साथ में आने के लिए? एक्चुअली मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं करने वाला हूँ, बट ये जब मेरे पास गाना आया तो गाना सुना मैंने दो तीन बार, तो गाना इतना प्यारा था कि मैंने बोला यार व्हाई नॉट, व्हाई नॉट. तो अगर ऐसा है तो आई डोंट माइंड डूइंग वीडियो सॉन्ग्स और समथिंग लाइक दैट, अनलेस द प्रोडक्ट इज वेरी गुड. आई मीन आप जो सॉन्ग शूट कर रहे हो इतना खूबसूरत गाना है, तो आई डोंट माइंड. यू डोंट माइंड अगर म्यूजिक वीडियोस आते भी है तो? या एज आई टोल्ड, आई एम ओपन फॉर एवरीथिंग. Like whatever comes related to this craft, acting and something performance, I am open for everything. Wow, that is बहुत अच्छी चीज़ है ये कि आप इतने adjustable है. मुझे करने से मतलब है, craft से मतलब है. I don't mind कुछ भी हो. बिल्कुल. अच्छा मुझे ये बताइए, इस lockdown period में social media कितना use करने में आया है आपका? मैं न्यूज ना, मैंने न्यूज देखी है सोशल मीडिया, ना सोशल मीडिया में ज्यादा रहा हूँ, बिकॉज आई नो अभी इकलौती एक ही चीज ऐसी है, फोन हम सबके हाथ में है, पीपल आर डिप्रेस बिकॉज ऑफ पता नहीं अलग अलग थिंग्स, तो वो जो कंपैरिजन वाली चीज हो जाती है, तो मैं सोशल मीडिया को दूर ही रखता हूँ, ज्यादा नहीं करता हूँ यूज. बट हाँ, कभी भी आप खोलते हो, स्क्रॉल कर रहे हो, आप कुछ देखते हो, आप कुछ सोचने लग जाते हो, जबरदस्ती बैठे बैठे उस खुशनुमा मोमेंट में आप कुछ सोचते सोचते जबरदस्ती डिप्रेशन में चले जाते हो. तो मेरे मुझे सोशल मीडिया से बहुत हद भरी नफरत भी है. अनलेस यू आर स्प्रेडिंग समथिंग गुड, लाइक अगर आप कुछ अच्छी चीजें अगर स्प्रेड कर रहे हो लाइफ में, हैप्पीनेस स्प्रेड कर रहे हो, तो अच्छी बात है. बट थिंग्स एज वी ऑल नो, सोशल मीडिया पे हर चीज होती है, एंड पीपल आर गेटिंग मैड. आई मीन लोग घर बैठे बैठे पागल हो रहे हैं. आई मीन दे आर नॉट एंजॉयिंग देयर मोमेंट, दे आर जस्ट कंपेयरिंग देयरसेल्फ, देयर व्हाटएवर, ये स्टफ होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वहां जाना था, ये करना था, वो करना था. एंड पीपल आर लाइक, जहां हो वहां तो खुश रह लो भैया पहले. जी हाँ, सो इट कम्स बैक टू योर पहले वाला पॉइंट कि प्रेजेंट में रहना चाहिए. बिल्कुल, दिस इज द ओनली वे ऑफ अ सुपर हैप्पी लाइफ, विच इज बी इन प्रेजेंट, बी ग्रेटफुल दैट व्हाटएवर यू हैव. ऊपर वाले को हमेशा थैंक यू बोलते रहो कि फॉर एवरी ब्रेथ. एक्चुअली हमें तो बोलना तो हर सांस के लिए चाहिए कि आप हमें दे रहे हैं मौका, बट क्रिबिंग इज नॉट अ सॉल्यूशन. बीइंग ग्रेटफुल एंड बीइंग ग्रेटफुल बीइंग इन प्रेजेंट, दिस इज द वे ऑफ गुड लाइफ. सो आई जस्ट होप सबको गुड लाइफ जीने को मिले, इसलिए मैं चाहता हूँ आप सभी प्रेजेंट में रहें और खुश रहें. जी, आपकी बात तो जरूर मानेंगे ही मानेंगे. अच्छा मुझे ये बताइए कि इस लॉकडाउन पीरियड में आपके फर्स्ट क्या क्या रहे हैं? मतलब पहली बार रोटी बनाई या पहली बार म्यूजिक वीडियो शूट किया, तो दिस विल बी फर्स्ट. ओके, म्यूजिक वीडियो, या ऑफ कोर्स, तो फर्स्ट इज म्यूजिक वीडियो. सेकंड इज मैंने अपने चाचा के, मेरे पापा के दोनों के बाल काटे हैं,
स्टाइलिश वाओ स्टाइलिश इंटरेस्टिंग ओके एंड मॉम को कलर किया है फर्स्ट टाइम, और डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन कर चुका हूँ, लाइक प्ले डायरेक्ट किए हैं मैंने, बट पहली बार कुछ शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट किए है, और कुकिंग तो बहुत पहले से कर रहा हूँ, मतलब सफाई सैनिटाइज किया था मैंने पूरा घर जब मैं आया था आफ्टर होली, मैंने पूरा घर सैनिटाइज किया, सफाई मतलब प्रॉपर बोलते ना गंगूताई वाला लुक लेके, सर बंधा हुआ, बाल ढके हुए, मुंह ढका हुआ, चश्मा लगा के, झाड़ू लेके शुरू, पूरा घर साफ, ये सब मेरी लाइफ में। हाँ दिवाली की दिवाली होली के बाद दिवाली की ऑलरेडी हो गई है, तैयारी नहीं बट होगी दिवाली की फिर से होगी मुझे लग रहा है, मतलब आप भी करेंगे वो तो मतलब बिल्कुल करूंगा, मैं यही हूँ जब तक तो साफ सफाई रहेगी, मैं हूं तो साफ सफाई करता ही रहता हूँ, मतलब यहाँ वैसे तो हमारे पास है बट अभी हमने किसी भी किसी को बुला नहीं रहे, सब जो भी वर्कर्स हैं सब अपने अपने घरों में, कोई नहीं आ रहा है, अब सारा काम खुद ही कर रहे हैं, तो अभी मैं हूं तो मैं होता हूँ तो मैं ही करता हूँ, मतलब फिर मैं मॉम को करने नहीं देता हूँ। ओ स्वीट। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आपने बताया कि आपने आपके पापा के और चाचा के बाल कट करे उनका, क्योंकि इतने टाइम से लोग बाहर नहीं जा पा रहे थे तो घर में ही आपने ट्राई किया, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका बार्बर वाला? अच्छा था एक्चुअली, इट वाज क्वाइट इजी, क्योंकि उन लोगों को ऐसे हमारी तरह कोई स्टाइलिश बाल नहीं चाहिए होते, इनको लगता है बच्चे यहाँ से छोटे छोटे करने हैं, ऊपर से थोड़े छोटे करने हैं, पीछे से तो बिल्कुल ही छोटे करने हैं, तो इट्स टू इजी, आप एक कॉम लो और एक ट्रिमर लो एंड सेट कर दो, सो इट्स क्वाइट इजी। मैंने तो बोला था कि मैं थोड़ी स्टाइलिश बना देता हूँ, अभी वैसे भी 1-2 महीने कहीं जाना नहीं है, तो मैं कुछ ऐसा बनाऊँ, कुछ नया बनू, नहीं, कुछ नहीं करना, चुपचाप जो बता रहे वो करो, फिर मैं यही बैठ के क्या द सेम रूम यहीं पे मैंने क्या एक्सपेरिमेंट्स करे इस टाइम में आप लोगों ने? एक्सपेरिमेंट्स एज कुछ नहीं, रात में मेरे डैड की एक्चुअली आदत है सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, तो कभी वो 5 बजे उठते हैं और मैं 5 बजे तक सोता नहीं तो उनके उठने के बाद वाली वॉक और मेरी सोने से पहले वाली वॉक साथ में होती है, तो ये ऐसा कभी कभी होता है कि मतलब हम सुबह सुबह अभी सनराइज हो रहा है और मैं तो आके सोने वाला हूँ एंड मेरे डैड का दिन शुरू हुआ, तो ऐसा है मुझे तो, आई मीन मुझे लगता है कभी देखो इनका दिन शुरू हुआ और मेरा मैं सोने वाला हूँ, मतलब आदत हो गई लॉकडाउन में ऐसा कि अब पूरी पूरी 2-2 3-3 बजे तक आप बैठे रहते हो, पढ़ते रहते हो कुछ ना कुछ, फिर 3-4 बजे का ऐसा मॉर्निंग टाइम होता है जिस ऐसा कहा जाता है, और मैं शायद मैं पता नहीं क्यों मानता हूँ, ऐसे ही मानता हूँ कि उस टाइम पे सोना नहीं चाहिए, अमृत वेला होता है 3:30 4 बजे, 4 बजे के बाद आप सो जाओ, शायद सो जाओ, तो बट तो ऐसा बहुत हुआ मेरे साथ कि मेरे डैड का दिन शुरू हो रहा है और मेरा खत्म हो रहा है, ये एक नया एक्सपीरियंस था। इंस्पिरेशन फॉर एक्टिंग? फॉर एक्टिंग लॉ देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल, आई मीन मैं इरफान सर ऑफ कोर्स आई वांटेड टू वर्क विद हिम, ही वाज फ्रॉम सेम रविंद्र मंच थिएटर, आई मीन जयपुर से ही थे, एक बार आए भी थे जयपुर अपनी बाय अपनी किसी इंटरव्यू के सेगमेंट के लिए, तो मेरा हमेशा ऐसा था कि मैं इनके साथ काम करना चाहता हूँ, ही वाज आई मीन ही इज द ओनली वन, 1 सेकंड कैन यू प्लीज जस्ट होल्ड फॉर मी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। या सो सर नॉट जी नाज बीन सिद्दीकी एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल, आई मीन जिन्हें देख देख के, अमिताभ सर ऑफ कोर्स, आई होप ही गेट्स वेल सून एज ही गॉट पॉजिटिव, सब कुछ इतना सब लोग उनके लिए इतना प्रे कर रहे हैं, ही विल गेट वेल सून। या सो अच्छा फॉर दिस इंटरव्यू आई हैड अ वर्ड विद मोनजा दीप कि इज देयर एनीथिंग यू वांट टू आस्क हिम, सो शी वाज लाइक मुझे उससे कुछ पूछना नहीं है लेकिन उसको बस इतना बोलना था आई मिस हिम अ लॉट।
आई मिस हर टू अ लॉट मैन. ये भी बोला कि आई लव हिम एंड नेवर लीव मी बिकॉज यू आर अ ट्रू फ्रेंड, जो कि बहुत कम मिलते हैं. She is sister, like she's a pure soul. I love her. Absolutely. उन्होंने ये पूछा कि आप वापस से मुंबई कब आ रहे हैं. Next month, Manzara, बहुत जल्दी. Meeting very soon. सबसे पहले हम मिलेंगे, don't worry. मिलेंगे. और उन्होंने एक और चीज जो पूछी है, जो मैं भी आपसे पूछना चाहती हूँ, कि जयपुर में आपने सिर्फ पौधों को पानी दिया है या कोई लड़की भी आपने ढूंढी है खुद के लिए? नहीं, वो मोंजा, उसको शी नो दैट, ये उसी का डिपार्टमेंट है. मैंने उसी को बोला है ढूंढ के देना मेरे को. वी बोथ आर लुकिंग फॉर ईच अदर. अरे भाई, ये तो बहुत. सो वी हैड अ डील, तुम मेरे लिए ढूंढो, मैं तुम्हारे लिए ढूंढता हूँ. ऐसा तो जल्दी मिल जाएगा, मिल जाएगी कोई आप दोनों कोई. मुझे कोई जल्दी नहीं है, बट मैं चाहता हूँ मुझे कोई जल्दी मिल जाए उसके लिए. अच्छा, आपके स्कूल टाइम में आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा हुआ करता था? मैथ्स. आफ्टर 10th मैथ्स, उससे पहले कोई भी नहीं. या आफ्टर 10th मैथ्स, उससे पहले कोई भी नहीं. मुझे कुछ भी पसंद नहीं था, उससे पहले पढ़ाई लिखाई पसंद नहीं थी. बट 10th में एक टीचर आया मेरी लाइफ में मैथ्स के, जिन्होंने मुझे मैथ्स को प्यार करना सिखा दिया. एंड आफ्टर दैट मुझे मैथ्स से ही प्यार हो गया. तो अगर आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, तो आपने स्टार्टिंग में सोचा था कि मुझे ऐसे एक्टिंग में जाना है? एक स्टार्टिंग में क्या सोचा था कि मुझे बड़े होके ये बनना है? मैंने आर्मी के एग्जाम्स दिए, एनडीए के एग्जाम्स दिए, पुलिस के एग्जाम दिए, हर जितने मैंने इतने एग्जाम दिए जिसके अंदर. सो आई हैव नो आइडिया मैं क्या बनने वाला हूँ. मैं हर चीज में ऐसे, मतलब जैसे मैं आप बोल रहा हूँ ना, मैं हर चीज करने के लिए रेडी हूँ विद ओपन आर्म्स. तब भी मैं ऐसा ही था कि मतलब क्या कर रहा हूँ मैं जिंदगी के साथ, कहाँ जा रहा हूँ. मेरे को पता नहीं था कि मुझे इंटरेस्ट किस चीज में, तो मैं हर चीज ट्राई करके फिर देखता था कि मुझे मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है. तो ऐसे ऐसे ढूंढते 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 यहाँ पे आ गए. Places in India you want to visit? India, everywhere, complete India. I want to roam around, like mostly before that Karnataka. I want to go Assam. I want to go Kashmir. I've been so and और भी बहुत सारी छोटे छोटे गांव हैं. अभी बीच में हम लोगों ने देखे थे, लाइक जब ये कोरोना से पेंडेमिक शुरू हुआ था और लोग बहुत परेशान हुए थे, तब कुछ एक गांव के नाम आए थे जो बहुत खूबसूरत है. मतलब एमपी में ही है, तो भी एमपी में, मध्य प्रदेश में कुछ गांव है जो जब भी एमपी आओगे जरूर बोलना. 100% 100% श्योर. बट मुझे आना है एमपी, बहुत जल्द आना है. बिकॉज मैंने देखा वहां, मेरे को मुझे बहुत खूबसूरती लगी. मतलब ज्यादा बिल्डिंग्स नहीं है, बहुत ज्यादा डेवलप्ड एरिया नहीं है. कुछ गांव, नॉट पर्टिकुलर, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट नेम, बट कुछ गांव हैं जो बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारी हरियाली लगी मुझे. तो वो भी है. या डिड यू हैव एनी? हां जी, बहुत जल्दी आऊंगा वहां. मैं आपका इंतजार करूंगी यहीं पे. श्योर. बट यहाँ पे आओगे तो खाना तो बहुत खाना पड़ेगा, बिकॉज माई प्लेस इज नोन फॉर फूड. ओह वाओ, मैं हैबिट, मेरा एपेटाइट बन गया वैसे भी यहाँ रहते रहते. तो बहुत अच्छी बात है. Did you have any travel plans for 2020? Yeah, we were going to लद्दाख, हमारा प्लान था. मेरा दोस्त न्यूयॉर्क से आ गया, उसको 2 बार क्वारंटाइन होना पड़ा. हमारी सारी प्लानिंग पे पानी का पानी भर गया. हम लोग बाइक पे जाने वाले थे लद्दाख. Wow. It's like, अब तो कुछ नहीं है. क्या क्या अपने सपने सोचे थे कि मैं लद्दाख में जाके ऐसे करूंगा? वही अब सपने सपने ही रह गए. खैर, क्या क्या थे वो, एक दो हमारे साथ शेयर करिए ना. यही लद्दाख में दोस्तों के साथ, मतलब बाइक पे, बुलेट वगैरह, बाइक लेके घूमेंगे. ट्रिप, पूरी ट्रिप का प्लान था. आई मीन, हम सबने, हमने हर चीज प्लान की हुई थी. टेंट वेंट साथ में लेके घूमेंगे, कहीं पहाड़ों पे कहीं भी रुक के वहीं रुकेंगे. वाओ. बॉनफायर लगाएंगे, डांस करेंगे, सब धरा का धरा रहेगा. कोई नहीं, अब एक साल बाद जाना.
या वही करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा कोई सा रोल है जो आप चाहते हो कि मैं एक बार इंडस्ट्री में ये रोल तो जरूर प्ले करूं ही करूं? स्पेसिफिकली तो वैसा रोल एज इन मतलब जो किसी ने ऑलरेडी किया हुआ है, सिमिलर नहीं टू नहीं दैट। नहीं 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 ऑलरेडी नहीं, जैसे यू वांट टू बी अ पायलट, आप पुलिस तो बन ही चुके हैं, कॉप आप बन चुके हैं, सो अ पायलट का रोल और अ क्रिमिनल और कुछ ऐसा में। हाँ, मैं डॉक्टर स्ट्रेंज वाला कैरेक्टर इंडिया में करना चाहता हूँ। वाह, साउंड्स इंटरेस्टिंग, हाँ, ऐसा कुछ मैं करना चाहता हूँ, मतलब साउंड्स जो इंटरेस्टिंग। जंप कर सकता है, समथिंग मैजिकल। सो इफ यू हैड एनी सुपर पावर कुछ टाइम के लिए, तो आप क्या सुपर पावर लेना चाहोगे? मेरी मेरी बहुत सिंपल सुपर पावर है, मतलब मेरे पास ऐसी कुछ पावर आ जाए या कुछ ऑरा आ जाए जिससे देखते लोग हंसने लगे, बस मतलब जो भी परेशान है मैं उसके आसपास चला जाए वो हंसने लग जाए। जो मतलब मैंने आपके स्टार्टिंग में, अगर आपने सुना था तो मैंने एक छोटी सी चार लाइन बोली थी आपके लिए, और उसमें मैंने ये देखा था, ही ऑलवेज स्प्रेड हैप्पीनेस अराउंड एंड दैट इज बस ट्रू। यही मैं मतलब मैं मुझे लगता नहीं लाइफ का गोल ही है सिर्फ, शायद मतलब लोग खुश रहे आसपास, बस अपना काम हो गया टाइप, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। इफ यू गेट एन अथॉरिटी टू चेंज वन थिंग इन दिस इंडस्ट्री, व्हाट वुड इट बी? अभी मैं इंडस्ट्री को इतना अच्छे से समझा नहीं हूं, तो आई बट डोंट नो फिर मच भी अबाउट। कुछ एक चीज, आपने इंडस्ट्री में काम किया है, सीरियल करे या हैं, तो कुछ एक चीज आपको लगा था कि नहीं यार ये चीज चेंज होनी चाहिए, दिस शुड नॉट बी द वे इट इज? इंडस्ट्री में एक्चुअली काम करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन देखते बहुत कम लोग हैं, तो सबको वो जो नॉट फेम, आई मीन कुछ मतलब उनको वो अप्रिसिएशन नहीं रिकग्निशन। मिलता, अप्रिसिएशन रिकॉग्निशन ये सब नहीं मिलता, विच इज लाइक मुझे लगता है कि यार सबको मिलना चाहिए और हम सबको एक जैसा ट्रीट करना चाहिए। लाइक ठीक है वो लाइट दादा है, वो यहाँ स्पॉट दादा है, मेकअप दादा है, कोई भी नहीं, लेकिन वो भी उस प्रोजेक्ट का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा है, उनकी भी एक जर्नी है उनके साथ, उसका वो भी एक मतलब पूरी एक कहानी है अपने आप में, वो भी तो सबको वो अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, सबके साथ बराबर वाला फील होना चाहिए, बस मुझे लगता है ये होना चाहिए इंडस्ट्री में। जी बिल्कुल। अच्छा, एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं जल्दी से, एंड दिस इज अ दिस और दैट थिंग। हाँ ओके, ओके, सो बुक्स और मूवीज, बुक्स, एनिमल्स और पीपल, एनिमल्स, बीचेस और माउंटेन्स, केक्स माउंटेन्स, और कुकीज, कुकीज, ब्लैक और कॉफी व्हाइट, एंड कुकी, ब्लैक, आई एम वेयरिंग ब्लैक, टी और कॉफी, कॉफी, टीवी शोज और वेब सीरीज? आई मीन अगर करना है तो वेब सीरीज, देखना है तो भी वेब सीरीज, या वेब सीरीज वेब सीरीज। इंस्टाग्राम और स्नैपचैट? नन, आई डोंट यूज नन। स्नैपचैट, बट इंस्टाग्राम भी मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं है, बट इट्स रैपिड टू इंस्टाग्राम या ओके, कॉलिंग और मैसेजिंग, मैसेजिंग, टेक्स्ट और वॉइस नोट, टेक्स्ट, पिज्जा और पास्ता, पास्ता, टॉम टॉम एंड जेरी और शिनचैन? एंड जेरी, टॉम एंड जेरी। अच्छा, इजी है टॉम और मतलब जेरी। जेरी, आई लव जेरी, ओह क्यूट पेट एंड सुपर प्यार, वेरी नाइस कॉन्सेप्ट, इस जिसने भी बनाया ये तो सच मास्टरमाइंड, में। आज मूवीज भी आज देख हो, सकते हो, हाँ वो सॉरी बात भी, अगर आज भी देखते तो बोर नहीं होता, हमेशा वो एक ही एपिसोड पे देखो तो बड़ा एक्साइटिंग सा लगता है। इवन मेरी मॉम मेरे साथ देख सकती है, मतलब वाओ, ऐसा मतलब ये इस किसी जनरेशन के लिए नहीं है, मतलब मेरी सिस्टर, छोटी सिस्टर, शी इज लाइक 14,
मैं, मेरा भाई, मेरी मॉम, तीन जनरेशन एक साथ देख सकती है, ये मास्टरमाइंड है. आई मीन टॉम एंड जेरी समथिंग लाइक दैट. और वो देख के हमेशा हंसी आएगी आपको, ऐसा हंसी नहीं भी कुछ आएगी ड्रामा है, उसको देख के हंसी ही आएगी. व्हाट अ कॉन्सेप्ट यार. सीरियसली. या मूवीज एट होम और मूवीज एट थिएटर? होम ओ, वॉफल्स और पैनकेक्स? पैनकेक्स. ओके क्रेजीस्ट फैन मोमेंट यू हैव एवर हैड? क्रेजीस्ट फैन मोमेंट. There's a lady once, she came on set and she was like, yeah, हमने अपने बच्चे का नाम बेहान रखा है. and I was like, what? मैं लाइफ का पहला शो कर रहा था. एंड ये ऐसा था कि उनको, उन्होंने मुझे बताया कि हमने भी ना, हम आपको बहुत अच्छा लग, आपका काम बहुत अच्छा लगता है, ये सारी सारी बातें. एंड ऑल ऑफ सडन उन्होंने इतना इजीली बोल दिया जैसे नॉर्मल सी बात हो कि हमने अपने बच्चे का नाम भी बयान रखा है. आई वाज लाइक क्या क्या मतलब वो था एक ऐसा कि मैंने, यार वाओ यार, आई मीन ये इट्स अ बिग थिंग. भाई आपको इतना पसंद कर रहा है कि मैंने, चलो इस बहाने आप रोज बयान बयान करते रहना. उस टाइम Last song in your head. Last song in your head. That song I've done, Prem Diwani. कोई हमिंग करता रहता हूँ आजकल मैं. दो लाइन गा पाएंगे उसकी? अभी अलाउड नहीं है मुझे. अभी इसीलिए मैंने पूछा पहले. रोमांटिक हॉरर थ्रिलर? थ्रिलर. थ्रिलर. मुंबई और जयपुर? Of course, I mean, I am an artist, Maya Nagari, of course, Mumbai. But कुछ शांत जगह है, peace of mind और family, of course, for Jaipur, it's the best. But in this age, in this field, Bombay. Bombay. Yeah. Ice cream or barf gola? Barf gola. Kalakatta. Barf gola. Kalakatta. मेरा भी favorite है एकदम. समर विंटर रेनी? मुझे बारिशों से बहुत प्यार है, बट बहुत ज्यादा बारिश से भी नहीं, थोड़ी थोड़ी बात बारिशों से प्यार है. अदरवाइज विंटर. आई लव सर्दियां. अच्छा, बारिश में भी सबसे अच्छा क्या लगता है? वो जो मिट्टी की सुगंध आती है वो, कि चाय, कॉफी और पकौड़े या ऐसे कुछ खाना साथ में? मुझे तो नहाना होता है तो मैं बाहर ही होता हूँ ऑलमोस्ट. ये तो कॉफी चाय तो जब इंसान घर के अंदर हो तो खा सकता है. मैं तो बाहर हमेशा, बारिश होती है तो मैं नहा रहा होता हूँ बारिश में, तो दैट फर्स्ट थिंग, खुशबू. तो मतलब आपको बारिश में नहाना बहुत पसंद है? बहुत. मतलब ऐसी कोई बारिश नहीं जो इस लॉकडाउन में हुई और मैं नहाया नहीं. वो 10 मिनट की आती है, मैं जाके उसमें भीग के आ जाता हूँ. अरे वाह, मुझे बारिश से बहुत प्यार है. बहुत अच्छी चीज है. तो मुझे, मैं बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि ना, नेचर से कोई भी चीज आती है ना, वो आपको प्योर कर देती है. तो बहुत प्योरिटी वाली फीलिंग आती है मुझे. बारिश जब भी होती है मैं नहाने चला जाता हूँ. और पता है, कभी ये चीज ऑब्जर्व मैंने करी है, ये चीज कि जब भी बारिश होती है और जब बारिश चली जाती है उसके बाद में एक अलग सी ही एनवायरमेंट में पॉजिटिविटी लगती है. हाँ, मैं ये चीजें तो है, ये पांच चीजों से मिलकर पूरा ब्रह्मांड बना है. तो एक चीज आती है, सब कुछ रिफ्रेश कर जाती है, ऐसा मेरा भी लगता है, मुझे भी लगता है. और मेरे घर के आसपास यहाँ पे बहुत सारे मोर हैं. वाओ, तो अगर कभी किस्मत हो तो वो भी दिख जाते हैं, तो एक अलग ही मजा आता है. वाओ, तो इस लॉकडाउन में दिखे आपको? बहुत बहुत. वाओ, और मैं इसको गुड मैसेज समझता हूँ कि अगर बारिश हो और मोर दिख जाए तो इट्स अ गुड साइन, यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाह रही है टाइप. तो आपको डांस करते हुए दिखते हैं विद देयर फेदर्स पूरे खुले हुए? नहीं नहीं खोलते हुए दिखे, मतलब लाइक ऐसे आए, पहले तो बहुत दूर थे तो ऐसे नहीं, जब वो खुल रहे थे ना तब मैंने, ये तो दोस्त है अपना, मतलब दोस्त बोलता हूँ, दोस्त बोलता हूँ. वाओ, वेरी नाइस. नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन? फूड. हाँ, फूड नॉर्थ इंडियन. साउथ इंडियन में होते हैं. इंडियन और वेस्टर्न अटायर यू लाइक टू वेयर? इंडियन, प्योर देसी. मतलब नॉट ये आजकल का इंडियन भी इंडियन नहीं है, मतलब लाइक द ओल्ड इंडियन. मुझे वो ओके, टिपिकल टाइप्स, देसी, मतलब कुर्ता एंड
पठानी। तो आपका ऐसा कभी मन है कि मुझे ऐसा कोई सा शूट या ऐसा किसी में राजा वाला वैसा वाला करना है कुछ? राजा तो नहीं, हाँ मुझे मतलब होते ना गांव के होते हैं जो लोग, गांव के वैसे कुछ होते हैं, मतलब प्रॉपर गांव में रहते हैं जो लोग, वहीं के कल्चर में रहते हैं, वैसा 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 वाला? मुझे पसंद। हाँ अच्छा, वो करने की इच्छा है स्लीपिंग कि और कुछ ऐसा हो। शूटिंग? शूटिंग शूटिंग हॉलीवुड और बॉलीवुड? हॉलीवुड एन ऐप यू कांट लिव विदाउट? ऐप, आई कांट लिव विदाउट राइट नाउ, इट्स दिस एन एडिटिंग ऐप, बट व्हाट्सएप मोर मोर देन दैट। व्हाट्सएप मैं बहुत कम बातें करता हूँ, मतलब मैं लिटरली बातें बहुत कम करता हूँ, मोस्टली मैं व्हाट्सएप पे करता हूँ, जो भी बातें होती है जिससे भी, जो भी बातें होती है, चाहे इंपॉर्टेंट बात हो या फालतू बात हो, कुछ भी, मैं आई एम ऑलवेज ऑन व्हाट्सएप। तो तो अगर आपके साथ में ऐसा है कि आप बहुत कम बात करते हैं, तो आज तो आपके फैंस बहुत खुश हो जाएंगे कि आज हमें इतनी देर तक बात करने मिली है। अच्छा, मैंने आपसे पूछा था लास्ट सॉन्ग इन योर हेड, तो आपने मुझे बताया था जो आपने अभी रिसेंटली ट्वीट करा है। इसके अलावा कोई सा जो आप हमें दो लाइन गा के सुना पाए? गाना तो मैं याद नहीं मुझे, लेकिन नहीं, हाँ एक एक दो लाइन तो आप एग्जांपल, अपने फैंस गा सकते हैं। टोर नाल शड़ा मुंडा, टोर नाल शड़ा, टोर नाल शड़ा मुंडा, टोर नाल शड़ा, ये भी चलता रहता है मेरे दिमाग में अभी ऐसे। लास्टली, अ मैसेज यू वांट टू गिव टू योर फैंस एंड द व्यूअर्स? आई जस्ट वांट टू से अ सिंगल लाइन गाइस, बी हैप्पी, जस्ट बी हैप्पी एंड बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, स्प्रेड स्माइल एंड जस्ट बी हैप्पी, दिस इज लाइफ मैन, दिस इज नॉट गोना कम अगेन, दिस इज सिंगल एक्सपीरियंस, मेक इट वर्थ, और इंस्पायर अदर्स, बी हैप्पी, दैट्स इट। मैं आपको बस यही बोलूंगी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी एंड मेरे लिए इतना टाइम निकालने के लिए। इससे आपने मुझे खुश तो कर ही दिया है। एंड हाँ जी, That's the only thing I want, बस मैं चाहता हूँ सब कुछ। एंड स्टे होम, स्टे सेफ, और ऐसे ही और नए म्यूजिक वीडियोस आप हमारे लिए लाते रहें, नई नई चीजें लाते रहें हमारे लिए, ताकि हमें अच्छा लगे आपको देख के बार बार। यस और मामा के हाथ का खाना भर पेट से खाइए, खुश होके खाइए, ताकि बाद में ये ना रहे कि यार उस टाइम ज्यादा खा लेता तो अच्छा रहता। नहीं, मैं बिल्कुल घर के अंदर हूँ और घर का ही खाना खा रहा हूँ, मॉम के हाथ का ही डेली। आई होप आप भी इंजॉय कर रहे हो ये सब चीजें, घर में रहना, लोगों से दूर रहना, अच्छे से खाओ, अच्छे से पियो, मस्त रहो। आई जस्ट विश सेम फॉर एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। It was a lovely session. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, सीरियसली इट वॉज अमेजिंग, बहुत मजा आया ये सब करके। Thank you. Bye थैंक यू, bye. बाय।